सन 22 की बात है जब मनुष्य पलटी का नया दौर शुरू हुआ था। बर्तानिया सरकार की फाइलों में लोग नए दर्जे से शामिल हो रहे थे। मेरे दादा यात्रा की हड़बड़ी में ब्राह्मणों के डिब्बे में चढ़ बैठे। विदाउट टिकट जाने के डर से साल भर में सूख कर मर गए। तब से मेरी पूरी पीढ़ी ब्राह्मणों के भेष में भूत बनकर भटक रही है। और मैं गायत्री गाय के पेट से गुजर कर शुद्ध हुई स्टूडियो कोबर से। मैंने उसका नाम ओम क्यों रखा, इसकी एक कहानी है। माना जाता है कि यदि मिथुनांश के शनि को उसका लग्नेश देखे तो जातक केवल 17 की आयु में मृत्यु को प्राप्त होता है। फिर मैंने विचारा कि ओम नाम का टाइप अब तक यमदूतों की सूची में शामिल नहीं है। यदि मैं उसे ओम पुकारूं तो वो हमेशा मृत्यु की दृष्टि से लापता रहेगा।
स्कूल जा, टाइम हो गया। छुट्टी है। क्यों? बारिश होगी। कैसे पता? तू कंघी जो कर रही है। ओम, तू मेरे कमरे में आया था? क्यों? रॉकेट कौन उड़ा रहा था? रूस और अमेरिका। गायत्री, दो कुंडलियां नहीं मिल रही हैं। मैं पढ़ रही थी। कल रात एक लड़की की उम्र घटा रहा था, पता नहीं कहाँ गई। बाबूजी, ये तो ऐसा हुआ जैसे अजमेर वाली के हाथ जयपुर का नक्शा पकड़ा दिया। तो जा वहाँ जहाँ तुझे घड़ियाल नहीं निकल सकता। जानती हो लव किसे कहते हैं? L O V E. L is for lake of sorrow. O is ocean of tears. V, valley of death. और अंत में E, end of life. प्यार अब तक नहीं बिका है कभी। I love you. I'm sorry, लेकिन कसूर आपका भी है। लोगों के बीच आप इतनी बोर्ड लगी कि लव आ गया। मैं अकेली थी इसलिए। लड़कियां घर से लड़कर दो ही जगह ही तो जाकर छुपती हैं, या तो मंदिर या फिर पिक्चर। कैरियर पर वो चक के बैठ सकती हैं आप? लिफ्ट दे रहा हूँ। Myself जगदीश फ्रॉम झुमरी तलैया। थैंक यू। और ये खत है प्रोग्राम को बेहद चाहने वाले झुमरी तलैया के जगदीश साहब का। लिखते हैं आज से झुमरी तलैया के बजाय उन्हें अजमेर का मान लिया जाए। जगदीश साहब, आपने पता तो बदल दिया, लेकिन आपका मनपसंद गीत पिछले कई सालों से नहीं बदला, तो हाजिर है हमेशा की तरह इसी गीत को सुनना चाहते हैं अजमेर से जगदीश, गायत्री, ओम, टिंकू, मिक्की, पिंकी, डॉली और उनके मम्मी डैडी। आवाज की दुनिया के दोस्त, मैंने ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि फरमाइशी प्रोग्राम में मेरे नाम के साथ जुड़ी लड़की पिक्चर हॉल में मिलेगी। क्या पता इन फरमाइशी प्रोग्रामों में जुड़े हुए नामों का संबंध जन्म जन्मांतरों का हो। तुम खिड़की खोलो तो मैं देखूं। मेरी साइकिल का ख्याल रखना, तुम्हारा जी। दस रुपए निकाल। सिग्नल बता। पहले रेडियो में जुड़े। ठीक है। फिर पिक्चर हॉल में। और रिसेंटली रोड पर। क्या क्या पता इसमें कुछ हो। इधर आए, एक टोटका बताता हूँ, लड़की लाइफ भर अंडर रहेगी। क्या मंत्र फूंक रहा है शंकर? मेला राम जी, मंत्र तो लोटा मल जी ने कचहरी में गाड़ रखे हैं। आप भी शीघ्र मिनिस्टर बनने वाले हैं। शुक्रिया। आई प्रॉमिस। बाबूजी भी शंकर हाजिर हो। आपको झूठे प्रमाण पत्र जारी करने के अपराध में अपनी सेवा से निलंबित किया जाता है। आप खुद को और अपने संबंधियों को साबित करने में असफल रहे हैं। हुआ ये कि बाबूजी ने ब्राह्मणों का ढोंग रचते हुए अपने संबंधियों की बेरोजगार तीसरी पीढ़ी के युवाजनों को पिंडरपोल के स्टेशन पर भीख मांगते देखा। बाबूजी गजेटेड अफसर थे। तरस खाकर उन्होंने उनके नाम प्रमाण पत्र जारी कर दिए। रिजर्व क्लास कोटा के थ्रू ये लोग चुपचाप सरकारी दफ्तरों में घुसपैठ करते रहे। भाई मैं क्या कर सकता था? छोरे मेरे पीछे पड़े थे, ताऊ नौकरी दिला दे। मैंने भी कहा ले चोटी जड़ से उखाड़ ले और ये मार सील इस रद्दी के कागज पर।
मेरे पर तो शनिचर चढ़ा है। सॉरी, गलत लग।
मैं फिर फर्स्ट आया। कहाँ? स्कूल में सांस रोकने में। गायत्री साइकिल सीखेगी, सेकंड हैंड खरीद दूंगा। जगदीश बीच में मत छोड़ देना। ओम किधर से आ रहा है? स्कूल में श्रमदान था। धूल में? तुझसे क्या मतलब? कपड़े कौन धोता है? मत धो। साइकिल चलाओगे? ये तो खूब चलाता है कैंची कर। तो चलाओ। सुनो सीधे घर आना। उस दिन पिक्चर हॉल में सब आपकी तरफ देख रहे थे और आप जेंट्स के बीच में बैठी क्यों? अंधेरा था। गेटकीपर के पास टॉर्च रहती है, उसी ने वहां ले जाकर दिखाया था। जाकर बैठ गया। जगदीश क्या लड़कियां लड़कों की मदद के बिना एवरेस्ट चढ़ सकती हैं? पार्वती जी जड़ी थी। और शिव, मैंने सुना गणेश उनका खुद का नहीं है। मैंने सुना आज चांद पर नानी की पोस्ट खाली है। तुम कात लेती हो? गायत्री तुम बीए क्यों नहीं कर लेती करस्पोंडेंस से? क्या हो जाएगा? इंडिपेंडेंट हो जाओगी। साइकिल सीख ली बस। फ्री होना और इंडिपेंडेंट होना दोनों अलग अलग बातें हैं। तुम खुद क्या हो? जगदीश बैचलर ऑफ साइंस ट्यूशन मास्टर। तुम्हें साइकिल की ट्यूशन देता हूँ, खा पी लेता हूँ। भलाई ट्यूशन से क्या मिलता होगा? खाना। ओम साइकिल कहाँ है? कुएं में। मैं देखता हूँ। तुम मेरा नाम इन गंदे गंदे गानों में क्यों भेजती हो? आज इंसान चांद पर चढ़ने वाला है। सबसे पहला अंतरिक्ष यात्री यूरी गैगरिन था। उन्हें भारत से बेहद दीदी ओम है में लगने वाली लागत से गरीब देशों में। अरे ओम मेरे बर्थडे पार्टी में चलेगा? लेकिन मेरे पास प्रेजेंट नहीं है। किसी के पास प्रेजेंट नहीं है। चल आजा जल्दी से। चल आजा चल। वो नाइट्रोजन के उत्पीड़न से मुक्ति चाहता है। नाइट्रोजन न जड़ है न जीव है, कभी ये जहर है तो कभी ये प्रोटीन है। जब शहीद हो गए तो सारी फौज की शहादत की खुशबू नीचे आई और नीचे ख्वाजा गरीब नवाज अपनी फौज को लेकर के ऊपर गए और वहाँ उनको सबको एक एक को एक एक कब्र में छह छह आठ आठ जनों को दफन कर दिया। दफन करने के बाद ही फौरन वहाँ पर बहुत बड़ी मजार बनाई गई जिसको लोग गंज शहीदा कहते हैं। गंज शहीदा में लोग गिनते हैं, नींबू रखते हैं, कोड़ियाँ रखते हैं, पैसे रखते हैं। इस तरह तारागढ़ का नाम तारागढ़ पड़ा।
तारागढ़ पे अभी लोग अंग्रेजों का फौज हुआ, बाद में अंग्रेजों ने अपने वहाँ पर फौज रखी, क्वार्टर बनाए, सारी फौज वहीं रहती थी। अभी इस वक्त भी राजस्थान में सबसे ज़्यादा ऊंचा तारागढ़ कहलाता है और वहाँ पर बहुत बड़ा ट्रांसमीटर लगा हुआ है। तारागढ़ चूँकि अभी पिकनिक स्पॉट भी है, सारे बंगले खाली पड़े हुए हैं, लेकिन 500 घरों की आबादी है वहाँ, आबादी में लोग रहते हैं वहाँ पर। फर्स्ट क्लास बंगले बने हुए हैं, पक्की सड़कें बनी हुई हैं, बहुत बड़ी दरगाह बनी हुई है, बुलंद दरवाज़ा बना हुआ है, बड़े बड़े बादशाहों ने अपनी अपनी वहाँ पर निशानियाँ बनाई हैं, घोड़े की मज़ार भी वहीं बनी हुई है। लोग घोड़े के मज़ार पे जाने के लिए चने की दाल चढ़ाते हैं और उनकी मज़ार पे मीरा सैयद हुसैन की मज़ार पे फूल और अगरबत्ती और शेरनी चढ़ाते हैं। इस तरह वहाँ घोड़े की मज़ार अलग है जहाँ चने की दाल चढ़ती है, और मज़ार मीरा सैयद हुसैन का उनके पास में ही है जहाँ फूल और अगरबत्ती वगैरह चढ़ती है। चांदपुर चलेंगे आप? मैं वहाँ जाकर क्या करूँगी? ऐसे ही वेकेशन में। सुना है वहाँ पर स्वेटर बहुत अच्छे बने जाते हैं। क्या खाक बनेंगे? माना की मत कंप्यूटर कन्या का ब्राइट ब्राइट घुमाकर तू भी को जाकर कह दे समोसे वाली छत सजा दे। 20 मिनट की जड़ी बूटी से बिटिया का शरीर फिर से हरा भरा हो जाएगा। साइकोलॉजिकली भी यदि सारा संसार उसे 25 की मानने लगे तो रात को 25 की हो जाए। सुनिए, मेरा तो दिल धड़क रहा है, कहीं रिजेक्ट ना कर दे। कहाँ गई है वो? समोसे वाली छत पे। अच्छा अच्छा। अरे वो उसका क्या हुआ? होगा क्या, छोड़ के चली गई। अरे मिस काकू का बाद अपने क्लब की पहली लिबरेटर ले रहने दो। पर वो मिस चंचलता थी जिसने सबसे पहले स्लीवलेस ब्लाउज पहना था। आज कितनी लेडीज मेंटेन कर लेंगी? मैं क्यों करूंगा, जितनी प्यारी थी उतनी सब। मेरी ही पार्टी में बुलाया और मुझसे मिलाया तक नहीं प्रोफेसर साहब को। माफ करना, मैं जरा छोटी के साथ बिजी थी, अभी मिला देती हूँ। सुनते हैं, सुनिए। कहिए प्रोफेसर साहब, आजकल साइंस के क्या हालचाल हैं? लगता है कोई चाल चली जा रही है। अच्छा, अब तो आप फंस गए शहर के बाहों में। इसके पहले कि इंसान चांद पर पहुंच जाए इनकी बात पक्की हो जानी चाहिए। बाबूजी ने उम्र तो बता दी, पर सुना है लड़के वालों के पास कंप्यूटर है। आज से बम्बई में बैठकर हम फिर और झाड़ रहे हैं, गिनती गिनने का खिलौना होगा। असल में मैं इसी शहर का हूँ, असल में मैं छुट्टी पे आया। असल में क्या कर रहे हैं वहाँ खड़े खड़े, खुद के यहाँ आ जाइए। छुट्टी कैसी लगी? साइंटिस्ट के अंदाज नहीं, अपने दिल की बात बोली। यहाँ से जाइए जाइए, करीब से देखिए। पिंकी, जीजा जी को लेकर जा छोटी के पास। चलिए चलिए जीजा जी। आप ये तो नहीं समझते कि भैया ने मुझे पहले से ही प्लान किया था? आप जब साइंस में थे मैं आर्ट्स में थी, आपने मुझे सूचना केंद्र में गुंडों से बचाया था। मेरी डेट ऑफ बर्थ मुझे मालूम है। थोड़ी देर में इंसान चांद पे चलने लगेगा। इस बार इस यात्रा का विशेष महत्व है। चांद पर पाए जाने वाली धातुओं को हर देश में प्रयोगों के लिए बराबर बराबर माना जाएगा, क्योंकि चांद पर केवल अमीर लोगों की इजारेदारी नहीं। मैंने समझा मेरी खोई हुई साइकिल सारा विश्व इस दृश्य लगी तो नहीं भैया देखकर प्रसन्न हो रहा है। घंटी थी खास पहचान कंडे पर बच्चे की सीट। आप अपनी साइकिल खोल कर ले जा सकते हैं। और उस पूरी फिल्म में हम बबली के पेट में नजर बंद दिखाए गए हैं। वो रोल हमारी जिंदगी का सबसे चैलेंजिंग रोल था। तो लीजिए अब सुनिए राजू स्टार की फेवरेट फिल्म का फेवरेट गीत। फरमाइश करते हैं अजमेर से जगदीश, गायत्री, टिंकू, मिंकू, डॉली और उनके मम्मी डैडी। और कमाल की बात तो ये है कि इस बार ओम साथ नहीं। बबलू बैबिलोन से, बबली टेलीफोन से, बबलू बैबिलोन से,
बबली टेलीफोन से अपने ही घर में गिरवी गुमशुदा घूमना बबली के छोटा सा बुना हुआ गडरिया गुड़िया के भीतर छुपा हुआ गडरिया गायत्री राव जी लाला जी आए हैं बिटिया ने खाना नहीं परोसा गायत्री साइकिल के ब्रेक कसा लेना नहीं क्यों नहीं खरीद लेते तुम्हारी साइकिल के लक से हमारी कंपनी का लक है गायत्री कहां तुम्हें तुम्हें इंडिपेंडेंट करने आया था कहां मैं खुद डिपेंडेंट हो गया हेलो हाँ कौन कलेक्टर साहब बोल रहे हैं अरे साहब मैं पहचान गया आपको आप तो बहुत टाइम पहले मुझसे मिलना चाहते थे मुझे समय मिला नहीं लेकिन अब मैं आपको सब बता दूंगा जो आप पूछना चाहते हैं अच्छा वो आपने जो कुंडली दी थी उसके विषय में पूछना है आपके हाथ की लकीर बिल्कुल साफ है उस काया परिवर्तन की टिक-टिक घड़ी जब मेंढकों ने पहनी थी घोड़े की नाल जहाजों में किया था सफर ढूंढे थे नगर जहाँ सांपों का डर नहीं था उस काया परिवर्तन की टिक-टिक घड़ी जब अंगूठे पर छपा था भविष्य पुराण टैटपोलों ने प्रश्न किए थे किसी अकल की क्या वजह है किसी शकल की क्या वजह है क्या इस दादुर की हरी खाल के भीतर किसी टैटपोल का मन बसा है इस रेड लाइट के भूमपुर में जब मैं बबली के पेट में गुम हुआ उन जातीय स्मृतियों की रिवर्स यात्रा के दौरान मैं आतंकारी टैटपोलों के संपर्क में आया वहाँ टरों के सम्राट कंप्यूटर का साम्राज्य था सर जीरोक्स जपाटा केवल नाइट्रोजन का नाश्ता करता था आतंकारी टैटपोलों ने मेंढक बनने से इनकार कर दिया था उन्होंने नाइट्रोजन के खिलाफ हथियार उठा लिए थे और उधर हाउस ऑफ राणा टिग्रीना में मेंढक टैटपोलों को अपने गुणों से अवगत करा रहे थे जैसे यहाँ पर तो एक लड़की की लाश है ओम। एटलस सटक रहा है बोलता है स्कूल छोड़ दूंगा एटलस ओम मेरे दिमाग से स्कूल उड़ गया है अब से एटलस का घर उसकी साइकिल की सीट पर है तो करेगा क्या जब तक गिनेश की किताब में नहीं पहुंच जाता साइकिल से नहीं उतरूंगा एटलस पागल मत बन स्कूल चल Yeah.
रानी देख राणा राणा टिगरीना किलस कुएं में बाकी सब कक्षा को माफ नंबर वन यस सर टू यस सर थ्री प्रेजेंट फोर प्रेजेंट फाइव यस सर सिक्स यस सर सेवन यस सर एट प्रेजेंट प्लीज नाइन टेन सर टेन यस सर इलेवन प्रेजेंट ट्वेल्व प्रेजेंट थर्टीन प्रेजेंट फोर्टीन प्रेजेंट फिफ्टीन यस सर सिक्सटीन प्रेजेंट सेवनटीन यस सर एटीन प्रेजेंट नाइनटीन प्रेजेंट सर ट्वेंटी प्रेजेंट ट्वेंटी वन प्रेजेंट ट्वेंटी टू यस सर ट्वेंटी थ्री यस सर ट्वेंटी फोर यस सर ट्वेंटी फाइव अकबर है अम्मी कारागर गया होगा या ढाई दिन के झोपड़े तू स्कूल में था क्या जी अकबर ने बताया तूने छोड़ दिया जी अम्मी अब क्या करेगा समुंदर में जाऊंगा वहाँ क्या करेगा नेवी में क्या मिलता है वहाँ अच्छी वर्दी है चल चल कोई वर्दी के लिए कहीं जाता है ये हाथ में क्या है एटलस का फोटो है क्यों क्या हो गया बेचारे को फेमस हो गया है फेमस अच्छा पर ये खून अखबार पर उसी का है अच्छा जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीसतिहु लोक उजागर राम दूत अतुलित बल धामा अंजन पुत्र पवन अकबर मुझे मेरी नाक दिख रही है तेरी नाक बढ़कर आरब हो रही है बड़े पेड़ जार नाक रगड़ सुरेशा कानन कुंडल कुंचित केशा हाथ वज और ध्वजा विराज कांधे मूज जनेऊ साज हेलो सुनिए पंडित बी शंकर का मकान किधर है पंडित बी शंकर का मकान किधर है इसके आगे कोई डायरेक्शन नहीं दिया छोटी अंदर आओ नहीं मुझे उन्हीं से काम है उनसे क्या काम है तुम भी उसी काम से आई हो नहीं छोटी तो फिर अंदर आओ नहीं नहीं मुझे उन्हीं से काम है वे बुला रहे हैं किधर ठहरोगी उनकी के साथ उनके साथ उनकी 30 साल की एक लड़की भी रहती है जो बिजनेस में हाथ बटाती है शंकर से बचकर रहना मिलवा तो लेते हैं पर पहले वो खुद की शुद्धि भी करते हैं उनके यहाँ हेमा मालिनी भी आ चुकी है सबसे पहले उसी को तो बताया था कि हर औरत के अंदर एक एक्ट्रेस छिपी है तुमने जो रोल किया था उसके अंदर क्या शेर सच्चा था तुम्हारा पोस्टकार्ड हम सबको मिल गया क्या सचमुच ये लड़कियां बिना लड़कों की मदद के एवरेस्ट चढ़ जाएंगी हाँ अच्छा मुझे जरा काम है किधर उनका घर ये देख काम निकल जाने के बाद उसने अपने लवर को जादू के जोर से गधा बना दिया और फिर मर्डर कर दिया ये रहा उस गधे का फोटो पटरी पर मालगाड़ी के नीचे और ये उस बेवफा का फोटो कोई है मैं होती तो उसे पाल लेती पर गायत्री तुम नहीं जानती गधे के भी दांत होते हैं सुनिए नमस्ते गायत्री नमस्ते मेरा नाम है फूल कुमारी आई एम फ्रॉम बॉम्बे मैं रोज टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ती हूँ उसमें मैंने आपके बारे में पढ़ा था आपको मेरी चिट्ठी मिली थी मेरा करस्पोंडेंस वर्ड है लड़का पास ना पूछे मैं सीधी स्टेशन से आ रही हूँ ताऊ जी ये कोई आई है सीधी स्टेशन से अटैची के संग इनका मुंह धुलाओ और फिर भेजो और फिर रियल लाइफ में मम्मी मुझे जन्म देकर नकली किसी में सच्ची मर गई तो फिर मैं वहां स्टूडियो में ही पलकर बड़ी हुई
और गुरुजी नौ माताओं पे नौ फिल्में बना रहे थे मैथोलॉजिकल, क्योंकि मैथोलॉजी फिल्म की रिपीट वैल्यू ज्यादा होती है, मतलब पिक्चर जितनी पुरानी उतनी रिलीजियस हो जाती है, जैसे कि मंडे को एक, मंगल को दूसरी और शुक्र को संतोषी। तो मुझे शेरों वाले का रोल मिला था। पर हमारे कॉन्ट्रैक्ट में एक शर्त थी, एक लाइफ में एक रोल, क्योंकि वरना इमेज बिगड़ने का सवाल था ना। पर क्या हुआ कि जैसे आपने हेमा जी को बताया था ना कि हर औरत के अंदर एक एक्ट्रेस छिपी है, तो मैं भी तरह तरह के रोल करना चाहती थी, तो मैं वहां स्टूडियो से भाग गई। और गुरुजी मुझे अपने साथ समाधि में ले जाना चाहते, लाइव समाधि में। और इससे पहले कि मैं बॉम्बे पहुंचती, इन्होंने मेरे कॉन्ट्रैक्ट का जीरोक्स बना के सब स्टूडियो में भेज दिया था, और मुझे एक एक्स्ट्रा का भी रोल नहीं मिला था। एक बार तो मैं इतनी दुखी हो गई थी, मैंने सोचा था सब कुछ छोड़ छाड़ के एक कैबरे डांसर बन जाऊंगी, पर डर था कि पिक्चर बदनाम हो जाएगी, और फिर अगर मेरी इमेज से किसी के मन को सुकून मिले तो इसमें तो मेरा तो अच्छा ही है ना। वैसे हम लोगों को स्टूडियो में कोई कमी नहीं थी, सबके पास खुद के बाग थे, और वो लक्ष्मी जो हम में से सबसे रिच थी उसने एक उल्लू पाला था। मैंने कहा था ना बिल्कुल टिट्टो है टिट्टो। कौन? मेरे साथ मिशन स्कूल में पढ़ती थी, खूब पिक्चरें देखती थी। मैं तो नहीं देखती हूँ पिक्चर, स्टूडियो के चहल पर से फुर्सत ही कहाँ मिलती है, अब जो आता देखना ही पड़ता। एक्सप्रेशन दो। ये घर के भीतर एक महल का ख्वाब है, इसे देखकर नाक पोंछ क्यों सिकुड़ रही है? संग संग तो ठीक है, पर मरमर आउट ऑफ क्वेश्चन। गुड बाऊजी, ये फोटो किसे भेजे? ये था नेशनल इको आगरा। पर लड़का एक ना एक दिन पास जरूर पूछेगा। छोड़ दूंगी, कितनों को, कब तक, जितनों को, जब तक। ये पेरिस से पुष्कर प्लास्टर भेजने आया था। एक्सप्रेशन दो। कुछ पीता कुछ पाकी। गुड। ये वो खोपड़ी है जहाँ कौए लाइट से तेज दौड़ते हैं। पोस्ट इंटरपोल, वहां तुम्हारी सारी पोल खुल जाएगी। एक्सप्रेशन दे। एक फोटो के 10, कॉरेस्पॉन्डेंस के 20, एंटरटेनमेंट के 100 और 500 हमारी फीस। मेरे पास तो पैसे नहीं है, मेरा बक्सा, मेरा बक्सा। आहा, मैं तो डरी गई थी। और मेडल दीजिए, रख लो ना बाबूजी, कंपनी के लिए। भूल, क्या वो शहर सच्ची में था? था। टाइप टू मिस फूल कुमारी, सब्जेक्ट मैरिज एंड मैच। तू क्यों जलता है जगदीश? आई अपॉइंट यू एज माय टाइपराइटर। इसका नाम रोजमेरी है गायत्री, रोजमेरी। रोजमेरी कौन? क्या तुम्हें नहीं पहचानती? गंदे गंदे उपन्यास लिखती है। हमें कंपनी में तो फैलानी है जगदीश, और तुम्हारी अंग्रेजी की टाइप कितनी गंदी है, तुम्हारा इसके साथ कोई कॉम्पिटिशन नहीं। फूल मेरी इंसल्ट करती रही और तुम चुपचाप सुनती रही। एक एक का अकाउंट है गायत्री, मैं भी कविता कर सकता हूँ। सनसेट पर्दे पर, पहाड़ के पीछे, नदी पर, सनसेट समंदर पर, जहाज की झंडियां जैसे भागते भूत की लंगोटियां, सनसेट वेस्ट की आंख में ईस्ट की धूल, सनसेट दीमक के पैरों तले पारे की राख, गुरखे की लाठी पर चिमनी की चीख, वंजाई बड़ों के जड़ों में गड़े ब्रेन बॉक्स के भीतर गणपति की छींक, सनसेट चिड़िया की चीख, पान की पीक, जी, फादर का लव डॉटर से, ये साइकिल,
Forgive me, गायत्री। शत्रु की सूचना मिलते ही ये एक स्थान से दूसरे स्थान चले जाते हैं। फिर राक्षस ने राजवैद्य से और घाव मांगे। शत्रु की सूचना मिलते ही ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं। बाइनोकुलर दृष्टि के इन जंतुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर कूद कर जाने के लिए सिर्फ अपनी निगाहों का सहारा लेना पड़ता है। शत्रु की सूचना मिलते ही क्या कर रहे हो? मैं पढ़ा हुआ याद करके दोहरा रहा हूँ। क्या मगर क्या दोहरा रहे हो? पन्ना पलट कर देखो, आगे बढ़ो। नाक नजर के आड़े आ रही है। नाक क्या चीज नजर आ रही है? नाक नाक नाक, नाक क्या चीज? नाक क्या? नाक नाक नजर के सामने आ रही है। सामने आती है, दिखता नहीं है। गायत्री गायत्री गायत्री, देख तो इसकी नजर को क्या हुआ। बोल, नाक पे चढ़ गई। क्या हुआ? जब मैं पढ़ता हूँ तो नाक अक्षर खा जाती है। पढ़। ऑल्फैक्टरी में पाई जाने वाली ग्रंथियां रासायनिक होती हैं। रासायनिक उद्दीपन ऑल्फैक्टरी तंत्रिका द्वारा मस्तिष्क के ग्रहण केंद्र से गुजरती है। दिखी क्या? हाँ दिखी। क्या दिखी? खून बहा था पेन भरकर। सत्यानाश हो इस गुगली का फूल। टाई टू प्राइम मिनिस्टर, सब्जेक्ट द गुगली। डियर राजू, प्लीज बैन गुगली इन क्रिकेट एंड लाइफ इन जनरल। थैंक्स अ फ्रीडम फाइटर बाबूजी बी शंकर। जेम्स बॉन्ड को भी आराम मिला था, दिखता है। इससे आंखें फ्रेम में रहेंगी। सोते समय सिराने रख के सोना। पर मुझसे छुपाया क्यों, जबकि मेरा नाम आ रहा था? तू खुद छुपता फिर रहा था। जब तक तू याद रहा तेरी हाजिरी बाकी भर रहे थे। तू डरेगा तो बाकी मजा क्यों नहीं लेंगे? जा नाइट कॉलेज चले जा, वहां अभी तक रोल नंबर नहीं बटे। तेरी इस साइकिल का क्या फायदा? क्यों, इसकी कंपनी का हीरो हूँ, खिलाती है पिलाती है। तू सोता कब है? थकूंगा नहीं तो सोऊंगा क्यों? कभी तो थकेगा, सोचो ही मत। पर साइकिल, हर 3 पेडल के बाद 1 पेडल फ्री। चेन उतर गई तब? भीतर मत आ, वही रुक जा, घेरे के बीच में मेरा ध्यान बंधा हुआ है।
यदि एक ओम 17 बरस का तो एक प्रकाश वर्ष में कितने ओम? आउट ऑफ कोर्स। ओम, तेरा रिजल्ट निकला है, तेरा रोल नंबर क्या है? पता नहीं। कहाँ जा रहा है? हवा खाने। मैं तुझे कितने दिनों से देख रहा हूँ, तू अंदर क्यों नहीं जाता? मैं नहीं मानता। नहीं मानता है तो फिर क्यों आता है? आरती सुनने, मेरे पास होने के लिए जरूरी है कि मेरा सपना फेल हो जाए। सपना? परीक्षा के लिए देर से पहुंचता हूं, लिखते ही स्याही उड़ जाती है, किसी सवाल का जवाब नहीं मिलता, याद किया भूल जाता हूं, चश्मा झील में गिर जाता है। क्या विषय है तुम्हारा? साइंस बायोलॉजी। अरे पागल, सपने भी कभी सच हुआ करते हैं? सपनों का तो मतलब ही उल्टा होता है। मुझे पिछले 20 सालों से सपना आ रहा है कि मंदिर में जूता चोरी चला गया, मैं डरकर घर से भाग जाता हूँ, लेकिन सच्चाई में आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ। कॉन्ग्रेचुलेशन नालेकर साहब, आपके बेटे ने तो आइंस्टीन को मात कर दिया। जी हाँ, आप पर अजमेर को नाज है। मुनीम जी, वर्डवार निकट आ रहा है और अब यज्ञ की आवश्यकता है। इन जूतों में मेरे प्राण रखे हैं, आप इन्हें ले जाइए और बाबूजी को पहना दीजिए। आपके लोटे की कसम लाला जी, इन जूतों को अपनी आत्मा से अधिक समझूंगा। प्राण चले जाएं, लेकिन वचन नहीं तोड़ूंगा, युद्ध रुकवा कर रहूंगा। कंचन आपको गोल्फ कोर्स पर मिलेगी और उसी के पास कामनी का पता है। कोड वर्ड है डायमंड्स आर फॉरएवर। मैंने भी बचपन में कंचे खेले हैं लाला जी, आप निश्चिंत रहिए, युद्ध रुकवा कर रहूंगा। बस ध्यान रहे, कहीं मैं लुट ना जाऊं। इस दिवाली की पिस्तौल से मरकर बता, वरना हम तेरी जीभ खींच लेंगे। और वे दो एंजियो और जिम्नोस्पर्म, और वो 10 फाइलम और 5 क्लास, क्या पता हम इन सब के लापता माइंड के मैटर हैं गायत्री। पिताजी चुनौती देकर बोले कि हम सब भाई बहन उनके रिप्लिका हैं। हम ऐसे कोई एक मर जाता तो पिताजी को उसकी उम्र भी लग जाती। माना कि हम सब मदर पर किए गए कोई जादू टोना थे। माना कि हम सब मदर पर किए गए कोई जादू टोना थे। जानती हो गायत्री, मैं आज तक टच में क्यों नहीं रहा? गायत्री जानती हो जहाज क्यों उड़ा था?
इसलिए कि न्यूटन ने वो सेब नहीं चखा था। वरना आज दुनिया में वर्ल्ड में हवाई अड्डे का निशान तक नहीं होता। डार्लिंग, पहले तो तुमने कभी नहीं कहा। गायत्री, आई प्रॉमिस। गायत्री, बहुत कटकटा कर आई है, खिड़की बंद कर दूं? नहीं, रेडियो ऑफ कर दीजिए। जितना मैं अहिंसक होता जाऊंगा उतनी ही ये पिस्तौल हिंसक। इस पिस्तौल को लाइसेंस की आवश्यकता नहीं है। Your code word is B for Buck Buck. Dal Yam for Maya. Maryam for Milk. Le check. Check. Mother tongue. ट्रेन का टाइम हो गया है, मैंने बिस्तर बांध दिया है। चोर, मेरे जूते कहाँ हैं? मैंने तो रात में रख दिए थे। चोर, मेरा जूता लौटा। मैं चोर नहीं। अरे पागल, तेरा सपना अभी तक चालू है। मैंने तेरे हीरे नहीं निकले, वो तेरा छोरा होम ले भागा है। ले, अब तू अपने कमरे में बंद। अगर मैं छूटी तो मैं वहां मरी। गायत्री, thank you.
नाम बता। ना नाम, ना अक्षर, ना मुहावरा। बाबूजी मेले में खो गए, वहां हमारी बुक रखी है, दान करूंगा तो नाम मिलेगा। किधर से आ रहा है? पिक्चर से। टिकट बता। गुम गई। स्टोरी सुना। एक लड़का था जिसकी सांस खूब लंबी थी, फिर एक दिन वो हीलियम में बदल गई। कागज का मन क्या? काग। पीर के पर? कारतूस, कुंजियों के निक्कर पर लिखे नोट्स। और वो बोहर? उसने हवा को चूड़ियों में बांधा था। कीलर? उसने उसने पितरों के लिप्स पड़े थे, अंधेरों को बाल्टियों में भरा था। आउट ऑफ कोर्स। कुंजी या मोर्स के माइंड की पगलाई डिस्को, कोयल। अभी 1,00,000 गुब्बारा सांस बाकी बची है। सवेरा हो रहा है, वरना तेरे से बात करने का दिल कर रहा था। कुछ दूर पर वैसी ही एक झील थी, पर तब तक लाश वहां से जा चुकी थी। कुछ दूर पर लिखा था पार्क हेयर। मैं वहीं पर जाकर सो गया। उठा तो बचपन में खोई हुई अठन्नी की अक्कल फिर से मेरे हाथ लग गई। मुझे वो बावरी प्रेत कुंड तक खींच कर ले गई। पानी में खुद कूद कर माना मुझसे कहा, आ कूद, इसमें खजाना छुपा है। कौन है? अगर तेरा मुंह ताला है तो चाबी मेरे सपने को लगी है। टूरिस्ट हूं, एडवांस तकिए के नीचे रखा है। तब तो आप हमारे भगवान हैं। गुड नाइट। गुड नाइट। लेटर का मैटर है प्रेत पानी और पैसा। ये पावली ना भरी है, ना खरी है, ना खोटी है। सूरज के चढ़ते ही खजाने में उतर रहा हूं। तू इस पावली को दाढ़ में दबाए रख।
मैं सब समझता हूँ तेरे लेटर का मैटर। जिस पावली की तारीफ तू मुझे दे रहा है वो तेरा माइंड है। मैंने तो पावली मुंह में दबा कर रखी थी, फिर सिक्का खोटा कहे को गिरा। याद कर, पुष्कर की पुलिस तुझे तलाश कर रही है। तू भले ही भगवान हो लेकिन पुष्कर की पुलिस तुझे तलाश कर रही है। अबे अक्कल की दार, पट ऊपर की ओर रख, चित खोटा है। अभी अभी खजाने के साथ मैं भी गायब हो जाता। ओम जी, माना कि आपके फेफड़ों में बेहद सांस है, पर ये पावली मेरी समझ के बाहर है ओम जी। इसके बिना मैं तेरा हुक्म नहीं बजा सकता। जादूगर ने मुझसे कहा मुट्ठी खोल और पैसा उड़ जाता था। मैं जानता हूं ओम जी, पुलिस भगवान की तलाश में है। दिन को निकलो तो पहचान लिए जाने का डर, रात को निकलो तो कुत्तों का डर। मैं ये भी जानता हूं कि पानी पैसे को अपनी तरफ खींचता है। ये पानी क्या चीज है पार्टनर? पितरों का। पितर कौन? तेली। तेल किसका? टकसाल का। और टकसाल किसकी पार्टनर? पार्टनर पार्टनर सारा पैसा हवा हो गया। आपने पावली फोकट में पलट दी। क्या कहा? फोकट में पलट दी? पलट तू रहा चोर, तू पलट रहा है। जा फिर पानी में जा, मैं कहता हूं फिर पानी में जा, अंदर जा, जाकर खजाना लेकर आ। पट्टी बढ़ा रहा तू मुझको? मैंने तेरे जैसे हजारों तैराक पालने की हिम्मत रख रखी है। तू चला जा, देख 2000 साल का टैक्स जमा है इसमें। हाँ, अगर मैंने तुझे भगवान मान लिया है तो तू घमंड मत कर, जा। ओम ओम पार्टनर, पार्टनर मेरा वो मतलब नहीं था पार्टनर, मेरा वो मतलब नहीं था। ओम 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 माना के बाबूजी आपको दुश्मन सारो जमानो हो गया है, पर मैं क्या करूं? आप तो जाने हो, क्या आप बाहर तो जा नहीं सको? क्योंकि आप पर तो शराब है वो चुड़ैल को, क्या आप बाहर नहीं जा सको? पर मने जानो पड़सी, मैं यही हीरा लेकर दिल्ली जाऊंगा, क्योंकि आपको तो मालूम है चुनाव निकट आ रिया है। वे हीरा कट है? वो आपके पेट में है सेठ जी। मारा है पेट में? वो किसान बताओ। आप ही ने कहा था लाला जी डायमंड्स आर फॉरएवर, हीरे मैंने पीस के आपको खिला दिए हैं। पूर्णिमा को लक्ष्मी योग पड़ेगा, तब तक आपको शौच न जाने की साधना करनी पड़ेगी। फिर देखिए आपकी लीण की माया, हरि बोलने लगेंगे बंजर धरती पर शौच क्रिया के समय आपको कोई ना देखे, यदि देख ले तो फिर वो किसी को ना देखे। इसका ये अर्थ नहीं कि आप उसकी हत्या कर दें, वरना साधना नष्ट हो जाएगी। ओम ओट वोट मोटे चूरन के नोट, ओम ओट वोट मोटे चूरन के नोट, ओम ओट वोट मोटे चूरन के नोट, ओम ओट चूरन के नोट। पिशाच! कौन है?
अरे काय कर रही हो? खना ठा नहीं, मैं लाला लोटा मन हूं। मेंढक पकड़ रहा था पर मारी बिना परमिशन के। मैं जा रहा हूं। खैर, तुम्हारी परमिशन लाई कुंडो छोड़ो है। शंकर, शंकर तू कोई बात सुनी? नहीं। तू कोई देखियो? नहीं। तो सुन, तने जो कहला वो करेला। तो तू सुबह होता तक ना तू कने देखे ना थाने कोई देखे, पाछे सवेरा होता ही तू ही आनो ठेकेदार। भी के पास? हाँ, पिछले दिनों अमर भी मिलने आया था। तेरे क्या हाल चाल है? अच्छा हूँ। कुछ काम करता है? हाँ। किधर? चिड़ियाघर में। अजमेर में? सब जगह चलता हूँ। अच्छा, फिर आऊंगा। Here the spell was cast and that is the sandal and Om never returned. चेतना की लाल बही में क्या बीजगणित बना है अब तक? कुल मिलाकर 1 करोड़ की दिवाली पड़ी है लाला जी। सारे पटाखे खरीद लिए हैं और प्रोफेसर साहब ने टेस्ट भी कर लिए। हर बम में एटम छुपा है। बाबूजी सचमुच महान थे। अपनी बलि दे दी देश के लिए, नारियल चढ़ा दिया अपना इस देश के लिए। दिवाली वर्ल्ड वॉर में बदल दी उन्होंने। गायत्री बेटा, इसमें अमाउंट तुम खुद भर लेना। कहाँ खो गए थे ओम जी? हम तो तब से पूजा की थाली सजाए बैठे हैं। ले आ, बाहर निकल, ले गॉगल्स पहन। गांठ नहीं बांधते? हाँ, भक्त और भगवान मिल जाए तो क्या नहीं हो सकता है? देख,
कल से स्वर्ग पुष्कर जी में उतर रहे हैं। तू ऐसा कर, रोज रात को ठीक 12 बजे पब्लिक को यहां दर्शन दिया कर। देख, बिरला और टाटा बन जाएंगे अपन। हाँ, वेलकम टू द गॉड्स ओम जी, वेलकम टू द गॉड्स सर। थैंक यू। स्वर्ग धरती पर उतर चुका है। यात्रियों से निवेदन है कि कार्तिक शुक्ल पक्ष के अंत के 5 दिनों तक सब वर्णों के कल्याण के लिए पुष्कर तिथि यहीं पर निवास करता है। इस समय यहाँ पर होमदान आदि किया हुआ अक्षय फल को प्राप्त करता है। धर्मशालाओं और भोजन स्थलों की लिस्ट सूचना केंद्र से प्राप्त कर सकते हैं। पुष्कर राज्य की तरफ से यात्रियों की सुख सुविधा का ख्याल रखते हुए यात्रियों के लिए नए भोजनालय खोले गए हैं। पुष्कर वाटर वर्क्स की तरफ से पुष्कर जी का पवित्र जल मुंह बंद शीशियों में मुफ्त बांटा जा रहा है। धन्यवाद। You watch him. Hello, Miss Melan Chat. My name is Totaram Sinus, Sinus Coconut. We are Pushkar Kayawad Kuyapari. Can you reach our prachar Omji? You will get the mouth. Promise? Ine kutruvayega? Kya legi? Promise? Bol. Promise? Tit for toothpaste. Nath. Khan. Nak. Khan. Hey, watch. Aachi. Aare baal, chhod bhai. Lo le lo, kari baga dekho, chhod bhai yaar. Promise. इससे पहले कि प्रसाद भक्त जनों में बटे, मैं इस चमत्कार की विवेचना जय गुरुदेव से करना चाहूंगा। ओम। गुरुदेव, इस उपभोग के युग में किस आध्यात्मिक आपूर्ति का संदेश भेजा इस मंजन के पेस्ट ने? किस विश्वास का व्यापार है इस प्रॉमिस का? क्यों सांस रोक के खड़ा है ये दिव्य बालक? क्या संकेत है इसका महाराज? सासारा सहयोग आंदोलन, सासारा सहयोग आंदोलन। Why did ब्रह्मा जी break this promise? स्वर्ग पुष्कर जी में साल भर रहे, ठेला ठेला पुष्कर। राम राज्य। फिश की चेन, फिश की चेन,
फिश की चेन, फिश की चेन, फिश की चेन, फिश की चेन, फिश की चेन, फिश की चेन। मैंने तो राम राज्य मांगा। परिवार नियोजन किसी चुड़ैल का सपना नहीं है कि पानी में से लोहे की मछलियाँ निकलने आपने लगे। तो कहा था इंद्रधनुष निकाल के लाएगा। You have failed, Mr. Coca-Cola. आपके हाथ से घड़ी निकल चुकी है। A metal piece is no answer to either. आप कॉन्ट्रैक्ट के पैसे लौटा दीजिए। फिर उसके बाद पेट कुंड में काम करने के बाद मैं लाला लोटामल की लैंड से मेंढक सप्लाई करने लगा। फिर एक दिन सारे अजमेर में बात फैल गई कि दादुर नगरी के मेंढकों के पेट में हीरे हैं। ये तभी की बात है जब सारे पटाखे असली हो गए थे। लोगों ने दुकानें लूट ली थी और तभी दादुर नगरी के दरवाजे मेरे लिए भी बंद हो गए। मुझे फिर से प्रेत कुंड लौटना पड़ा और अब मैं वहाँ पुष्कर काया वॉच की विज्ञापन फिल्म का हीरो हूँ। सासारा असहयोग आंदोलन का विचार उन्होंने मुझसे लिया है। तेरे कॉन्ट्रैक्ट में क्या लिखा है ओम? जो मांगता हूँ मिलता है। पर तेरा नेचर उल्टा है ओम। तेरे लिए सांस रोकना काम है, इसलिए सांस लेना तेरा असहयोग है। इस हिसाब से जब सब अपनी सांस रोककर खड़े होंगे तुझे अपनी सांस लेनी पड़ेगी ओम। और पानी के अंदर सांस लेते ही तेरी लाश ऊपर तैरने लगेगी। ठीक उसी वक्त इस मौत घड़ी का डेड डांस शुरू होगा। ये तेरा मर्डर प्लान है ओम। तू जलता है। तूने मुझसे पूछा था ना मेरी चेन कब उतरी? ये देख विष्णु की करवट ओम। लाला जी हीरे चारों ओर बिखरे पड़े हैं। मेरा कार्य सफल हुआ। अब अपने को चीन चलना है, उसके बाद मानसरोवर। और बाबूजी, आपने अठे तो एक भी मेंढक नहीं कटे हो। ऐशान नहीं हो कि सारी स्टोरी बंडल हो जाए। बिना टेस्ट के हीरे की परख नहीं हो सकती, इसलिए आप ये लीजिए, टेस्ट कीजिए, टेस्ट कीजिए। आपरा प्रेत्रो हुकम सर आख्या पे। और वो देख दो मेरा गॉडफादर। बाबूजी लाला के प्राण कंचों में और बाबूजी के गिरगिट में थे। चूंकि दादू नगरी के सारे राज उन्हीं के पास थे, उनके श्राद्ध के बिना न गरुड़ का पता मिल सकता था न हमारी बुक। भूतिया ब्रिगेड से किसी भी कीमत पर उस मशक का खरीदना जरूरी था। तेरे बचने का बस एक ही तरीका है ओम, अपने वजन के बराबर प्लास्टर ऑफ पेरिस पुष्कर को दान कर। मेरे पास भी पुष्कर की चाबी है एटलस। क्या मछली? ठीक 12 बजने में 5 कम पर बैक का पाइप बजेगा। ठीक 12 बजे सांस अंदर खींच ली जाएगी। ओम जी के दर्शन के साथ सासारा असहयोग आंदोलन, सासारा असहयोग आंदोलन। सर बड़े भी सर, क्या आप सांस रोक रहे हैं सर? हेलो हेलो ऑपरेटर, हेलो क्या आप सांस रोक रहे हैं सर? सारा देश रोक रहा है सर, सारा देश। सांस सर, सांस सांस। हेलो हेलो, यस सर, यस सर, यस सर, यू आर राइट सर, यू आर एग्जैक्टली राइट सर। क्या सर? गवर्नमेंट ऑफिशियल्स आर नॉट होल्डिंग देयर ब्रेथ सर। लेकिन क्यों सर? सरकारी कर्मचारियों को भी सांस रोकने का अधिकार मिलना चाहिए सर। यस सर, I will definitely protest, sir. Protest, sir. Protest. Yes, sir. I will definitely protest, sir. Hello. हाँ सर, यही खड़े हैं सर, यही खड़े हैं। Just to talk in, sir. Yes, sir. Birth control is equal to breath control, sir.
You are exactly right, sir. Yes, sir. Please talk to him, sir. Hello. Hello. Good evening, sir. हाँ सर, सामूहिक रोष का उपचार, हर सुबह 3 मिनट प्राणायाम एज प्रोटेस्ट, प्राणायाम एज प्रोटेस्ट सर, दीदी सासारा असहयोग आंदोलन, असहयोग आंदोलन, यस सर, अ मैन कांट लिव बाय हिज ब्रेथ अलोन, सर सर आप प्रेतकुंड से बोल रहे हैं सर? हेलो हेलो हेलो, ऑपरेटर, मछलियां मर रही है। सर, किन्हीं असामाजिक तत्वों के फुसलाने पर बड़ी मछली ने छोटी मछली को खाना छोड़ दिया है। मछलियाँ मर रही हैं सर, घाट सड़ रहा है। ये समझ भैया नहीं, ये बात है, हर अगर का जवाब मगर है, झील में मगर छोड़ दिया गया है। आप जाइए और लाइट डालिए। हर महल हर महल हर महल हर महल चोर रवि लाइट। हम खरीदेंगे नहीं तो वो बेचेंगे क्या? सांसों का असहयोग आंदोलन। हम खरीदेंगे नहीं तो वो बेचेंगे क्या? हमारी मांगे हैं, स्वर्ग पुष्कर जी में साल भर रहे, स्वर्ग पुष्कर जी में साल भर रहे। मैडम, आपको प्राइम मिनिस्टर ने याद किया है। व्हाई डिड ब्रह्मा जी ब्रेक हिज प्रॉमिस? हम उस लोक उड़कर जाएंगे जहाँ जीव सांसों से मुक्त है। ठेला ठेला पुष्कर, गाँव गाँव जनरेटर, ठेला ठेला पुष्कर, गांव गांव जनरेटर। टूटा नारियल नींद में टीवी टूटा, उजली से पसली धूप, लड़की हवा हो गई, खो गई फेफड़ों में, जा जल में मरी प्रेत कुंड की परी। हर रोज रात के 12 बजे मैं प्रेत कुंड से निकलकर दर्शन देता था। मुझे पुष्कर काया वॉच की विज्ञापन फिल्म में हीरो का रोल मिला था। मेरी सांस हीलियम में कब बदली मुझे अब याद नहीं, किंतु पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में मृत्यु की वजह फेफड़ों के फटने से दिखाई गई थी। मुझे इतना याद है कि मैं गिरगिट के साथ रेगिस्तान पार कर रहा था, फिर मैंने सूरज की ओर देखकर चीखा। इसके पहले कि मैं कुछ बोलता, ये तांगे वाला मुझे आ गया। वैसे मैं जान पहचान वालों को जगह नहीं देती, लेकिन आप काफी दूर से आए हैं इसलिए अंदर आ सकते हैं। बाबू या
अंदर एक बेड खाली, दरवाजा बंद कर लीजिएगा। बबली काले फोन पर बदियाती बुनती नजर बंद सर्दियां, बबली काले फोन पर बदियाती बुनती बबलू की नजर बंद सर्दियां। डाल कर अठन्नी जवाब में गायत्री, जंगल के गायत्री दरवाजा खोलो, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। जब मेरा नाम दुबई से आ रहा था तुम सुन रही थी? Get out, get out, get out from here. वो कौन है? Paying guest है. Do you mind? दुनिया में सिर्फ तीन हवाई अड्डे हैं गायत्री। पहला अमेरिका में नासा का, मून से सबसे नजदीक, और दूसरा रूस में जहां से शास्त्री जी उड़े थे, और तीसरा पुष्कर जी का अलौकिक हवाई अड्डा जहां से हम तुम उड़ेंगे। मुझे तो गायत्री, तुम तो जानती हो मेरी स्पेलिंग कितनी खराब है।